लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। एसएसबी की खुफिया टीम ने वन विभाग को सौंपा था सांपों का तस्कर। वन क्षेत्राधिकारी मधवलिया ने न्यायालय में आज किया प्रस्तुत। यूपी के जनपद महाराजगंज के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पर मुखबिर की सूचना पर एसएसबी की खुफिया विभाग ने पकड़ा कल था दिल्ली से दो मुहा सांपों की तस्करी कर नेपाल ले जा रहे साधु के देश में दो तस्करों को। तस्करों ने पूछताछ में अपना पता दिल्ली बताया था, जिन्हें एसएसबी ने पकड़कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया था। वहीं आज वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को न्यायालय में पेश किया। प्राप्त समाचार अनुसार दो तस्कर साधु के देश में अजगर सांप के साथ दो मुहा सांपों को छिपा कर रखे थे और चोरी चोरी नेपाल में सौदा करने जा रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर ने एसएसबी के जवानों को दिया, जिसके बाद सघन जांच के दौरान उन्हें पकड़ा जा सका। पकड़ने के बाद कल देर शाम एसएसबी के जवानों ने मधवलिया वन क्षेत्र अधिकारी को सौंप दिया, जिसके पश्चात वन क्षेत्र अधिकारी मधवलिया ने कार्रवाई करते हुए आज न्यायालय में पेश किया और मीडिया से रूबरू हुए। दोनों सांप पकड़ने का क्या मामला है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? सांप के बारे में जो है प्रतिबंधित प्रजाति है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई चूंकि सत्ती से लिया गया है और उसके बाद इसको लेके जाया जा रहा है न्यायालय समक्ष, माननीय न्यायालय के द्वारा ही जो आदेश निर्गत किया जाएगा, इन्हें जेल भेजा जाएगा। कैसे पकड़े गए थे सब? ये जो है नेपाल जो है पशुपतनाथ मंदिर बता रहे हैं, नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और उस समय वहाँ एसएसबी के जांच के दौरान पकड़े गए हैं। जनपद महाराजगंज के निचलो से बैजनाथ पासवान, अमन कांदू की रिपोर्ट।